रतलाम के अशोकनगर क्षेत्र में लगभग 8 दिन पहले इमली के हरे भरे पेड़ में आग की सूचना से अफरा तफरी मच गई थी। निगम के दमकल ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया था और आग बुझा दी थी, मगर आज सूत्रों से आई खबर के मुताबिक इमली के पेड़ ने आग पकड़ ली। मौके पर जब अंबर टाइम्स की टीम पहुंची तो इमली का पेड़ आग की लपटों से भरभरा कर जल रहा था। रहवासियों का कहना था, साहब आग 8 रोज से लगी हुई है। इसी दौरान इमली का पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा, जो सिर्फ अंबर टाइम्स के कैमरे में कैद हुआ। देखिए लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ अंबर टाइम्स पर। ये बहुत अच्छे टाइम पे है क्या? ये बहुत अच्छे टाइम पे है लाइव टीवी। ये पूरे देखो जाना नहीं हो ये नहीं है। ये झाड़ गिर गया, देखो आग लग लग के। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लाइव टीवी। ये बहुत अच्छे टाइम पे है क्या? ये बहुत अच्छे टाइम पे है लाइव टीवी। ये पूरे देखो जाना नहीं हो ये नहीं है। ये झाड़ गिर गया, देखो आग लग लग के। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि पेड़ के पास लोगों ने कचरा स्थल बना दिया, कचरे से पेड़ ने आग पकड़ ली। लाला भाई, लाला भाई ये बताएं, जो इमली में आग लगी थी लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है जी, तो अभी तक बुझी नहीं है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसका कारण ये है कि एक बावड़ी थी किसी टाइम, या कैचिंग ग्राउंड बना दिया, इसकी भी गैस से आग जल सकती है। और नगर फायर ब्रिगेड वालों ने 8-10 टंकी वो फाइव डाल दिए हैं टैंकर, उसकी उससे भी आग नहीं बुझी है। हाँ। उन्होंने भी खूब प्रयास किया। और ये क्या मेन रोड है? हाँ। ये कभी भी झाड़ का इधर गिर जाएगा तो कोई भी जन हानि का हो सकता है, शिकार हो सकता है। इसमें जो यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद वगैरह है, उन्होंने कोई कार्रवाई की? अब ये क्षेत्रीय पार्षद की तो कोई गलती नहीं, यहाँ पे निवासियों की गलती। गलती नहीं, गलती वाली बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा काम हुआ अभी तक के? हाँ, उन्होंने फायर ब्रिगेड पहुँचाया था। हाँ। उन्होंने ये सफाई भी कराई थी, और पब्लिक डाल देती है कचरा तो क्या क्या हो। आपने मान लिया कि इस कचरे की वजह से इस पेड़ में आग लगी है? इस कचरे की। विकास के पंखों से उड़ते रतलाम में अब जल्द ही कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में आपको नाव का लुफ्त भी उठाने को मिलेगा। तालाब और नदी में तो आपने नाव के मजे लिए होंगे, मगर अब रतलाम के ऐसे क्षेत्रों के बारे में आपको बता रहे हैं जहां आगामी मानसून की एक बारिश में नदी नालों जैसे हालात बन जाएंगे। ये है हाथीखाना से मोचीपुरा जाने वाला रोड, जो लगभग 3 महीनों से सड़क के इंतजार में खुदा पड़ा है। यहाँ के रहवासियों ने अभी सड़क बनने की उम्मीद को ही छोड़ दिया है। आक्रोशित रहवासियों का कहना है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इस खुदी हुई सड़क पर रोज लोग गिर रहे हैं, पर देखने वाला कोई नहीं, ना कोई सुनने वाला और ना ही कोई बोलने वाला। अनवर खान, अनवर साहब बताएंगे, जो सड़क कब से खुदी है और क्या समस्या आ रही है आपको? रमजान में समस्या का एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर रहे पड़ रहे हैं, पूरे गाड़ियां फंस रही है, लेडीज गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं। लगभग अगर माने कितना टाइम हो गया, 1 महीने 2 महीने हो गए, कितने महीने हो गए? 3 महीने के आसपास। 3 महीने हो गए हैं। हाँ, तो कब तक बनेगी, कुछ पता है आपको इस बारे में? ये बात नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, वहाँ ये नहीं बनेगी, सब मुर्दों की बस्ती है। तो एक मिनट ये साहब ये बताएंगे, जो सड़क खुदी है तो यहाँ आपको समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? बहुत समस्या ये है कि मतलब गाड़ी घोड़े निकलते, रिक्शा चलाते हम, पूरा यूँ घूम के जाना पड़ता है स्टेशन। क्या उसके अलावा कोई बीमार पेशेंट हो तो लेने नहीं जाते, फिर हम लोग के नहीं हुई रोड खराब तो कहाँ जाएंगे? क्या बहुत ज़्यादा समस्या है, ये तो सब मुर्दों की बस्ती है सब। क्या नहीं, तो आपने अभी तक किसी को नगर निगम में इसकी शिकायत की? नगर निगम वालों ने खोदी है, उन्होंने खोदी है। ये जो आपको समस्या आ रही है, इसकी शिकायत वगैरह की आपने? अभी कोई सुनने को राजी नहीं है। तो सुनने को तैयार नहीं है? कोई सुनने को राजी? कब तक बनेगी, कुछ पता है आपको? कोई पता नहीं, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं है। क्या ये तो सब बनेगी अब साल से भाई, यहाँ पे बारिश में मतलब यहाँ नाव चलेगी, अब बारिश में नाव चलेगी यहाँ पे बारिश में। अफ्तार अहमद, अफ्तार साहब ये बताएं, ये जो सड़क खुदी है मोचीपुर से लेकर हाथीखाना तक, इसको कितना समय हुआ है? ये रमजान पहले से खुदी हुई है। हाँ, अभी तक टाइम नहीं, चुनाव ही नहीं हो रहा है अभी तक, चुनाव के बाद बनेगी अभी। ऐसा किसने कहा आपको चुनाव के बाद बनेगी? सब जो बोलते बात करते हैं, चुनाव के बाद हो रहा है, गाड़ियाँ फंस रही है, गाड़ी फंस रही है, कोई पट्टी खा रही, कोई रिक्शा पट्टी खा रही है।
रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने इसकी शिकायत वगैरह कहीं की पार्षद को अवगत कराया? कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। घर में अपने बेचारे गरीब लोग गिरते गिरते पड़ते निगरते रहते हैं। अरे कार्य करना मतलब मदरसा रहता, खाना बना चलता, सब भीड़ भाड़ से कोई परेशानी होती है, कुछ देने वाला कोई।